अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इसके लिए तो सबसे पहले मैंने अपना जो है वो नेक कटिंग किया हुआ है। नेक जो भी आपका जिस हिसाब से आपकी इसकी लेंथ और विर्थ है उस हिसाब से ही आपने इसको कटिंग करना है। जैसे कि मेरी जो विर्थ थी वो 3.5 थी, उस पर मैंने कटिंग किया है, और जो उसकी लेंथ थी वो 7 इंचज़ थी, तो मैंने उसको 7 इंचज़ पर कटिंग कर लिया है। लेकिन ये जो मेरी बुकरम की चौड़ाई है इसको जो है मैंने लिया है तकरीबन 7 इंच, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही साइज़ है मेरी बुकरम का, क्योंकि मुझे इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है तो मुझे एक ही साइज़ की बुकरम चाहिए। थोड़ी सी भी छोटी बड़ी होगी तो सिलाई लगाने में मसला होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये एक और पीस जो है वो बुकरम का है। इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो ऑलमोस्ट 11 इंचज़ है, और इसकी जो विर्थ है वो मेरे पास इस वक्त है 1.5 इंचज़। ये भी ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो मुझे 1.5 इंचज़ ही रखना है, और अगर ज़रा सा भी एक सेंटीमीटर का भी अगर इसमें फ़र्क था तो मैंने उसको भी कटिंग करके बराबर किया है, ठीक है। ये मेरी पूरी जो है वो बुकरम वो 1.5 इंचज़ की है। इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, जिसको मोस्टली हम एंकर थ्रेड से लगाते हैं सिलाई, लेकिन मैं इसके लिए यूज़ करूंगी, मेरे पास ये धागा है मोस्टली, जिसे हमारे दुपट्टे वगैरह पीको होते हैं, ये वो वाला धागा है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया है कि मैंने इसको 3 जगह पे अलग अलग रीलों पे भरा है, ठीक है। ये 3 रीलें हैं, चौथी मेरी ये हो गई, तो मुझे इसके 4 धागे चाहिए, और मैं 4 धागों को जो है वो फिरकी में भरूंगी, और फिरकी में भर के फिर मैं जो है वो इसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग करूंगी। अभी मैं इसको फिरकी में भरूंगी। फिरकी में बहुत आसान तरीका है इसको भरने का। जितने भी हमारे ये नलकियां हैं इनको आप एक बराबर ले लें, ठीक है। ये 3 हो गए, और चौथा मेरा ये वाला धागा, इसको मैं आराम से फिरकी में भर लूँगी। ये बिल्कुल एक जैसा भरेगा, ज़रा सा भी इधर उधर आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ये मेरे 4 धागे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको फिरकी में भरती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ। अभी मैंने आपके सामने एक साइड की जो है वो सिलाई लगा ली है। मैंने ऊपर भी जो है वाइट धागा यूज़ किया है। आपको जो है वो हो सकता है, जो मैंने अपनी सिलाई की वीडियो आपको दिखाई थी क्लिप, उसमें हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई और धागा इस्तेमाल करती तो हो सकता है नीचे की तरफ वो नज़र आता, ठीक है। इतना प्योर वाइट नज़र नहीं आता। अगर आप इस धागे पर गौर करें तो हल्का सा शाइनी है, हल्की सी इसमें शाइन है इस वाले धागे में। अच्छा, ये एक तरफ से सिलाई मैंने लगा ली है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से इस तरह सिलाई लगाऊंगी। मैं इसको पूरा जिगजैग बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं एक तरफ से सिलाई लगा के अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ आपके सामने, आप भी देखें। ये देखिए व्यूअर्स, मैं दोनों साइड से जो है वो उसको जिगजैग सिलाई लगा ली। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा दोनों तरफ से, तो अंदर से ही बिल्कुल सफाई से जो है वो मेरी जिगजैग निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये जो नेक वाली साइड है, अब इसके ऊपर जो है मैं एक एक पैर की सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये वाली जिगजैग वाली मैं इसके ऊपर डिजाइनिंग नहीं करूँगी, ये सिर्फ मैं अपने नीचे ये वाली पट्टी पर की है, इसके ऊपर जो है वो मैं एक एक पैर की सिलाई लगाऊंगी।
देखिए व्यूअर्स, नेक पे जो है मैंने एक एक कॉन की सिलाई ऐसे लगा ली है, ठीक है। और जो मेरी आखिरी सिलाई थी ये वाली, इसको मैंने इस तरह लगाया कि मैंने कपड़ा जो है वो फोल्ड कर लिया था इसके अंदर, ठीक है। ये भी मैंने आपके सामने लगाई थी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये मेरी जो शर्ट का ना फ्रंट साइड है, मेरे गले का दरमियान और मेरे फ्रंट साइड का दरमियान में इसको मिला के, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रही है बुकरम मेरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब मेरी जो ये जो पट्टी है इसको मैं यहाँ से लगाऊंगी थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि जब मेरा नेक इसमें जब हम अटैच करें तो सिलाई के अंदर ही ये आ जाए, ठीक है। ये देखें, अब इसके अलावा मेरे पास जो है वो ये एक बेल है, ठीक है। जब मैं ये फोल्ड करके लगाऊंगी ऐसे, तो इसकी जो एक पत्ती है, पूरी बेल नहीं, ये एक पत्ती जो है वो मैं इस तरह बाहर की तरफ इसको निकाल के लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, सही। अभी मैं आपके सामने लगाती हूँ, आप भी देखें। ये देखिए व्यूअर्स, पट्टी जो है वो मैंने अपनी पूरी अटैच कर ली है, ठीक है। अब जो है वो मुझे अपना नेक अटैच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना नेक लूँगी और नेक को मेरी शर्ट के बैक साइड पे रख के, ये मैंने यहाँ पे दरमियान में कट लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी जो है वो मैंने दरमियान में कट लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका भी दरमियान कर लूँगी, दरमियान करके इसका निशान इसको लगा के, बैक साइड जो है वो मेरे शर्ट की है, और जो सीधी साइड है वो मेरे नेक की है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख के यहाँ से इसको सिलाई दूंगी, उसको कटिंग करने के बाद इसको ये फ्रंट साइड पे जो है वो मुड़ जाएगा, तो फिर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। अभी मैं आपके सामने लगाती हूँ, आप भी देखें।
ये देखिए व्यूअर्स, नेक जो है वो मेरा कंप्लीट है। ठीक है, अभी जो है मेरे पास ये पर्ल हैं, वाइट कलर के नॉर्मल पर्ल हैं, ना ये ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, ये देखें। ठीक है, मैं इस पर्ल को जो है वो मैं अटैच करूँगी यहाँ पे भी, मेरे नेक पे भी, और मेरे जो ये वाली मैंने पट्टी बनाई थी अपनी, इस पर अभी मैं चार पांच जो है वो यहाँ पे अटैच करती हूँ। अभी मैं करूँगी, करने के बाद जो है मैं अपने नेक की जो फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, पर्ल जो है वो मैंने अपने अटैच कर लिए हैं, नेक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।